कैबिनेट ने दो प्रमुख व्यवसायिक केंद्रों मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटा रेल संपर्क प्रदान करने के लिए 309 किलोमीटर लंबे नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दी है, जहां पर राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी की मेहनत रंग लाई है। इस नई रेल लाइन की मंजूरी से मध्य प्रदेश के 4 और महाराष्ट्र के 6 जिलों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा और इंदौर मुंबई के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी और इस प्रोजेक्ट में कुल 18,036 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2029 की डेडलाइन तय की है। परियोजना से लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा और इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिसका फायदा पर्यटन क्षेत्र में होगा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर समेत उज्जैन इंदौर क्षेत्र के कई पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। बता दें कि साल 2023 में राज्यसभा में सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने इंदौर मनमाड़ रेल लाइन परियोजना की मांग की थी और सुनिए इंदौर मनमाड़ के लिए 309 किलोमीटर की नई रेल लाइन मंजूर करने के बाद कैबिनेट मंत्री ने नई रेल लाइन को मंजूरी दी है। और ये देखिए बड़ी बात हम आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी की मेहनत रंग लाई है। 1836 करोड़ का नई रेल लाइन प्रोजेक्ट, मुंबई उज्जैन की दूरी 200 किमी कम होगी। मुंबई उज्जैन की दूरी 607 किलोमीटर है। रेल लाइन बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इंदौर धार बड़वानी खरगोन ग्वालियर भोपाल जिले को फायदा होगा। महाराष्ट्र के धूल और नासिक जिले को भी फायदा होगा। आगरा झांसी कानपुर लखनऊ वाराणसी को भी फायदा होगा। तो आपको बता दें कि परियोजनाओं को लेकर लाभ की बात, तो ये ग्राफिक के जरिए आप देख पा रहे हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर समेत उज्जैन इंदौर क्षेत्र के कई पर्यटन क्षेत्र, इसके अलावा ये रेलवे लाइन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के असंबद्ध क्षेत्र को जोड़ेगा। परियोजना की कुल लागत 18,036 करोड़ बताई जा रही है। माफ कीजिएगा 1836 है, 18,000 नहीं। तो आर्थिक मामलों के इंदौर और मनमाड़ के बीच प्रस्तावित नई लाइनें सीधे संपर्क प्रदान करेगी। जिस प्रोजेक्ट की हर माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में 105 साल पुरानी मांग है इंदौर मनमाड़ रेल मार्ग की और वो आज तक पूरी नहीं हुई है। मेरे क्षेत्र के आदिवासी भाइयों और बहनों ने निरंतर रेल का सपना देखा है, लेकिन रेल का सपना आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। 105 साल पुरानी इस रेल मार्ग के बनने से हमारे आदिवासी क्षेत्र के 5 से अधिक जिले जुड़ेंगे और 13 से अधिक विधानसभा इससे जुड़ेगी और कई रेलगाड़ियों का सफर 250 से 600 किलोमीटर तक कम होगा और साथ ही निमाड़ मालवा के ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल जिसमें महेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकाल, मांडू, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, बावन गजा, नागलवाड़ी जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इस रेल मार्ग से जुड़ेंगे और आदिवासी किसान भाइयों और बहनों को भी इससे लाभ होगा। माननीय उपसभापति महोदय, इस रेल मार्ग के पूर्ण होने से आदिवासी क्षेत्र का विकास होगा और मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त होगा और साथ ही सेना के जवानों को भी आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि जनजाति कोरव कॉरिडोर के तहत बजट में 70,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी बजट से इस क्षेत्र में रेल मार्ग का निर्माण अगर किया जाता है तो मेरे क्षेत्र के आदिवासी भाइयों और बहनों को और क्षेत्र का विकास भी होगा। बहुत धन्यवाद। जिस प्रोजेक्ट की बहुत ही स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, आप देखो
ग्वालियर उज्जैन इंदौर और ऊपर आगरा इधर झांसी कानपुर लखनऊ और वाराणसी पूरा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जो सबसे बड़ा पोर्ट है जेएनपीटी इस जेएनपीटी के पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी ये देने के लिए लंबे टाइम से एक प्लानिंग चल रही थी कि कैसे एक एक्सेस बनाई जाए जो कि इस पूरे के पूरे एरिया को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए खोल सके। फिर उत्तर महाराष्ट्र के जो धुले और नासिक जिले हैं ये दोनों जिले इसमें किस तरह से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है खासकर अनियन है सोयाबीन है इन सब के प्रोडक्शन को कैसे एक अच्छे तरीके से मार्केट की तरफ पहुंचा सके। तीसरा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है धार बारवानी खारगोन नासिक में भी है धुले में भी कुछ है तो ये जो जिले हैं जो कि अनकनेक्टेड थे लंबे टाइम से इन जिलों को कैसे रेलवे की इस कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सके इसके लिए एक बहुत डिफिकल्ट है ये प्रोजेक्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है लेकिन इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया गया है 18,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है टोटल और ये प्रोजेक्ट होने से ओवरऑल इंदौर भोपाल और उत्तर प्रदेश के झांसी आगरा कानपुर लखनऊ वाराणसी और उसके और भी ऊपर जो सीमांचल एरिया है हमारे जो उत्तर प्रदेश के नेपाल के बॉर्डर के साथ जुड़ते हुए एरियाज हैं उन सब को सीधा एक कनेक्टिविटी के लिए पूरा एक एक्सेस मिलेगा जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाएगा।